तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से 10 महत्वपूर्ण एवं काम की सिलेक्टेड खबरें लाए हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी। तो इसी के साथ पहला खबर है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों सरकारी सूत्रों की जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन और आगे बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर सरकार 2 दिनों के भीतर कोई ठोस फैसला ले सकती है। इसी के साथ अगला खबर है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों की मौत 269 जी हाँ दोस्तों 269 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 8,581 संक्रमितों की जान जा चुकी है। इसी के साथ अगला खबर है दोस्तों कि ऑक्सीजन के देशव्यापी संकट के बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम ने होम आइसोलेशन के बीच कोरोना संक्रमितों की आवश्यकता पड़ने पर घर पर निःशुल्क ऑक्सीजन पहुंचाने की आज से व्यवस्था शुरू कर दी। इसी के साथ दोस्तों माननीय भूपेश बघेल ने कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं का भी शुभारम्भ किया है। जैसे कि पहला दोस्तों कि कोरोना संक्रमित मरीजों के घर से कोविड मरीजों को कोविड केयर सेंटर तक लाने का व्यवस्था किया गया। इसी के साथ दोस्तों स्वस्थ हो चुकी कोरोना मरीजों को कोविड सेंटर से घर तक पहुंचाने की निशुल्क सेवा एवं एम्बुलेंस सेवा की शुभारंभ किया है। वहीं दोस्तों गरीब निर्धन परिवारों को निशुल्क सूखा राशन का भी वितरण चालू कर दिया है। वहीं बड़ी खबर आई है दोस्तों कि प्रदेश में बढ़ सकता है लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, अब प्रदेश में फिर से बढ़ा सकते हैं लॉकडाउन। लॉकडाउन प्रभारी मंत्री करेंगे हालातों की समीक्षा। जी हां दोस्तों, ऐसे हालातों में अब यह प्रतीत हो रहा है कि लॉकडाउन की मियाद को 5 मई से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगली खबर आई है दोस्तों कि शहरों में कोरोना की स्थिति क्या है। जी हां दोस्तों, यह तो सबको पता है, लेकिन ग्रामीण भारत की स्थिति क्या है यह नहीं पता। तो ऐसे में दोस्तों गाँव के लगभग हर घरों में कोई ना कोई बुखार या टाइफाइड से पीड़ित है। लक्षण सब में कोरोना संक्रमित जैसे ही है, लेकिन सरकार इससे बेखबर है। इसी के साथ अगला खबर आया है दोस्तों कि कोरोना काल के बीच दवा बनाने वाली जानी मानी कंपनी, जी हां दोस्तों, मैनकाइंड फार्मा मदद के लिए आगे आई है। मैनकाइंड फार्मा कंपनी ने कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले कोविड वॉरियर्स के परिवार के लिए 100 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।